हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा और कबीर की शादी को एक साल हो गया था। राधा बैठी हुई टीवी देख रही थी, तभी उसकी सास सरला उसके लिए गुलाब जामुन बनाकर लाती है और अपनी बहू को देते हुए बोलती है, ये ले बहू, जो तेरे काम है वो मुझे करने पड़ रहे हैं, ले खा ले इसे और बता कैसा है। मैं तो जब काम करती तेरे लिए, जब तू मुझे पोता या पोती देती, लेकिन अभी तक तो दिया नहीं। अरे माँ जी, मुझे गुलाब जामुन बनाने नहीं आते, क्या करूँ। बहुत मन कर रहा था खाने का, लेकिन मुझे घर के बने हुए खाने थे, इसलिए आपको इतना फोर्स किया मैंने बनाने के लिए। थैंक यू माँ जी। अब ये सब मत बोल और चुपचाप भर ले इसे, जैसा बनवाया है खा अब। जी माँ जी। इसमें इतनी गंदी सी स्मेल क्यों आ रही है। अभी तो मेरा इतना मन कर रहा था खाने का, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया। नहीं, ये तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अब मुंह क्यों बना रही है, खा क्यों नहीं रही। माँ जी, मुझे बहुत अजीब सी महक आ रही है इसमें से, उल्टी जैसा मन हो रहा है, मैं नहीं खा सकती। राधा ये बोलकर अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम चली जाती है और कुछ देर बाद वो बाहर आती है और सरला बोलती है, अभी तो इतना कह कह कर बनवाया तूने और अब उल्टी आ रही है मेरे गुलाब जामुन बिना खाए ही। नहीं बाजी, क्या हो गया, एक दो दिन से मुझे बहुत वीकनेस से फील हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। क्या तुझे उल्टी और चक्कर आ रहे हैं, इसका मतलब मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे बहू, तो माँ बनने वाली है। शुक्र है भगवान का, आपने मेरी सुन ली भगवान। माँ जी, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, हमें पहले डॉक्टर से कंफर्म कर लेना चाहिए। मैं बोल रही हूँ ना, तेरे ये लक्षण माँ बनने के ही हैं। फिर भी अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पर, तो चल डॉक्टर के पास चल। यही तो मैंने कहा माँ जी। ये बोलकर सास बहू दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर राधा का चेकअप करती है और कुछ ही देर में उसकी रिपोर्ट आती है और डॉक्टर बोलती है, कंग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, राधा अब माँ बनने वाली हो, इट्स ट्रू। और अब माता जी, आपको अपनी बहू का खूब अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, खूब अच्छी और हरी सब्जियाँ खिलानी है, जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। थैंक यू डॉक्टर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। माँ जी, आपने सुना, आप दादी और मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तू ही नहीं मानी। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, अब मैं चलती हूँ। इस तरह दोनों घर वापस आती है और जैसे ही शाम को उसका पति कबीर आता है, तो राधा एक डॉल को लेकर उसके सामने जाती है और उसे बच्चे की तरह ट्रीट करती हुई बोलती है, ओ मेरा बच्चा, क्या हुआ, पापा की याद आ रही है, देखो पापा भी आने वाले हैं, और देखो पापा आ भी गए, देखो ना कबीर, बेबी कब से आपका वेट कर रहा है। राधा, ये क्या कर रही हो तुम, होश में तो हो। अरे मैं पूरे होश हवास में हूँ। अरे अब हमारा बच्चा आएगा तो उसे संभालने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। मतलब? मतलब ये कि कबीर बेटा, तू पापा बनने वाला है। सच में? मैं पापा, आप दादी और राधा तुम माँ। थैंक यू गॉड, आज आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, थैंक यू। अब मैं अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा, तुम देखना राधा, इसे मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ कबीर। राधा तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ, और अब माँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाँ जानती हूँ। इतना बोलकर कबीर उसे बिठा देता है और उसके लिए रसोई से जूस लेकर आता है और उसे पिलाता है। वक्त बीतता जाता है, राधा का छठा महीना चल रहा था। इसी बीच कबीर और सरला उसे बहुत प्यार से रखते हैं और उसका खूब ख्याल रखते हैं, उसे वक्त पर दवाई देते। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बैठी हुई खुद से बोलती है, ऐसे बैठ जाती हूँ, बेबी को कंफर्टेबल फील होगा, उसे अच्छा लगेगा ना। नहीं नहीं, बेबी ऐसे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, मैं ऐसा करती हूँ, पैरों को ऐसे रख लेती हूँ, बेबी को कंफर्टेबल तो लग रहा है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बेबी को आराम नहीं मिल रहा। ये बोलकर राधा अलग अलग पोजीशन में बैठने लगती है और कभी कभी तो लेट कर करवटे लेती है। तभी उसकी सास ट्रे में चाय और दूध लेकर आती है और राधा उसे देखकर चाय उठाकर बोलती है, अरे वाह माँ जी, चाय, अच्छा हुआ जो आप ले आई, मेरा बहुत मन कर रहा था चाय पीने का। रख चाय, तेरे लिए नहीं है ये, वो मैं अपने लिए लाई हूँ, तू तो दूध पी, वरना बच्चा चाय पीकर चाय जैसा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा फिर। अब ठीक है, ये पी। माँ जी कैसा भी होगा तो अपना ही। ये भी ठीक है। अच्छा कल तुझे कबीर के साथ सोनोग्राफी कराने जाना है, याद रखना, उठ जाना टाइम से।
हाँ माँ जी, मुझे याद। शाम को कबीर ऑफिस से घर आता है और राधा के गले लगकर फिर अपनी बेबी को किस करके बोलता है। तो कैसा रहा दिन मेरे बेबी के साथ? क्या मस्ती करी? अरे तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? तुम्हारी माँ क्या समझती है मुझको? अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना आता है। बेबी क्या हुआ? माँ ने क्या कहा? तुम्हारी माँ ने कल मुझे जल्दी उठने के लिए बोला था और ये भी बोला था कि मुझे उठकर तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाना है। मतलब मैं तो जैसे भूल ही जाऊंगी, मुझे तो पता ही नहीं है कि सुबह तुम्हारे साथ जल्दी उठकर मुझे डॉक्टर के पास सोनोग्राफी करवाने जाना है। अरे बेबी इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? गुस्सा नहीं करते, ऐसे बेबी पर बुरा असर पड़ता है। अच्छा गुस्सा छोड़ो, तुमने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मंगाई थी ना, लो अब खाकर खुश हो जाओ। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे मैंगो आइसक्रीम खानी है, मेरा वही खाने का मन है। पर बेबी तुमने तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लाने को कहा था। हाँ तो अब मेरा मन नहीं कर रहा है ना ये खाने का, जाओ जाकर दूसरी लेकर आओ। तुम अपने बेबी का ध्यान भी नहीं रख सकते? देखो बेबी, पापा अभी से आपकी बात नहीं मान रहे। हे भगवान, मेरे बेबी को मेरे खिलाफ कर रही हो? ला रहा हूँ, अब बनो मत ज्यादा। कुछ देर बाद कबीर उसके लिए मैंगो आइसक्रीम लेकर लौटता है और उसे खाने को देता है। बेबी देखो, आपके पापा आपके लिए मैंगो आइसक्रीम लेकर आए हैं, अब मैं आपको जल्दी से खिलाती हूँ। जिसके बाद वो खुद सारी आइसक्रीम खाकर बोलती है। क्या हुआ बेबी, आपको पसंद नहीं आया मैंगो आइसक्रीम? ओ नो, यानी कि अब आपके पापा को फिर से जाना पड़ेगा। तुम ये क्या बातें कर रही हो मेरे बेबी से? पूरी आइसक्रीम चट कर गई और एक बार पूछा भी नहीं। देखो अब बेबी कह रहा है कि उसका चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो उसके लिए गर्मा गर्म समोसे और भेलपुरी ले आओ, और वो भी तीखी वाली एकदम। चलो जल्दी से जाओ वरना बेबी क्या सोचेगा कि कैसे पापा है उसके। अच्छा मेरी माँ, ला रहा हूँ, मेरे बच्चे को मेरे अगेंस्ट और मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद करो। जिसके बाद कबीर फिर बाहर जाता है और अपनी बीबी के लिए उसकी पसंद की चीजें लेकर आता है। अगले दिन वो कबीर के साथ डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती है और कुछ देर बाद रिपोर्ट्स आती है और नर्स उन्हें सोनोग्राफी की रिपोर्ट देती है, जिन्हें देखकर दोनों बोलते हैं, कबीर देखो ना, मेरी बेबी के लिप्स बिल्कुल मेरी तरह हैं। हाँ और इसकी चीक्स और आईज मेरी तरह हैं। हाँ कबीर, हमारा बेबी कितना क्यूट है। सॉरी मैम, आपकी रिपोर्ट्स ये थी, वो गलती से किसी और की रिपोर्ट्स आपको दे दी थी। अच्छा लाओ वो दो। कबीर हमारा बेबी, इसके लिप्स और आईज बिल्कुल हम दोनों पर गए हैं। हाँ मेरा बेबी बिल्कुल पापा जैसा स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है। सॉरी मैम, फिर से गलत रिपोर्ट दे दी, पक्का यही है आपका बेबी? अच्छा कोई बात नहीं, राधा ये हमारा प्यारा बेबी। वो उस रिपोर्ट में अपने बेबी की तारीफ करते हुए देख ही रहे होते हैं कि नर्स फिर से दूसरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट लाती है, जिसे सुनकर दोनों अपने अपने सर पर हाथ मारते हैं। इतने में ही डॉक्टर आकर उन्हें सही रिपोर्ट देती है। वक्त बीतता जाता है, राधा की पड़ोस की औरत उसे अपनी भयंकर प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बारे में बताती है, जिसकी बात सुनकर वो डर जाती है। राधा का 9 महीना पूरा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद उसकी सास और उसका पति उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर उसे एडमिट करती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताती है कि उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। ये सुनकर कबीर पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटता है और 2 दिन बाद घर लाकर कबीर उसके पैर के निशान एक कपड़े पर लेता है और सरला उन तीनों की आरती उतारकर घर में प्रवेश करवाती है और सब बच्चे के साथ खेलने लगते हैं। अंबर एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। उसे हमेशा से ही सूट सलवार और उसके साथ सुंदर सुंदर दुपट्टे ओढ़ना बहुत ही पसंद था। वो जहाँ भी जाती सब उसकी ड्रेसिंग सेंस की खूब तारीफ करते। उसके परिवार में उसकी माँ जीतो और पिता गुरनाम सिंह थे। ऐसे ही एक दिन अंबर बाजार से घर आ रही होती है और उसके पास से ललित नाम का एक बहुत ही हैंडसम लड़का गुजर रहा होता है और दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। ओए होए, पता नहीं आंखें हैं या बटन, इतना बड़ा रोड है पर नहीं, मोड़े नाल मोड़ा मार के तुरना जरूरी है। अरे सॉरी सॉरी, माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में था। दोनों वहां से जाने लगते हैं
लेकिन अंबर का ललित की घड़ी में दुपट्टा फंस जाता है और वो उसके दुपट्टे के साथ पढ़ने लगता है। आए आए आए, अरे अरे रुको रुको मेरा दुपट्टा। अरे ये क्या हो गया? ललित जैसे ही अंबर का दुपट्टा अपनी घड़ी से निकालने लगता है तो वो दुपट्टा फट जाता है, जिसे देखकर अंबर को बहुत तेज गुस्सा आता है। हाय, एक ही कर दिता, मेरा शिफॉन ना इतना महंगा दुपट्टा फाड़ दिता। सॉरी, मैं आपको नया ला दूंगा। लगता है आपका दुपट्टा काफी सस्ता था, तभी जरा सा दम लगते ही फट गया। हेलो, आपको पता भी है अमृतसर से लाती हूँ मैं अपने दुपट्टे, एक से बढ़कर एक क्वालिटी के। अंबर गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन ललित अपने बचपन के दोस्त शेखर की शादी में जाता है, जहाँ उसे बहुत ही प्यारे से रेड सूट और फुलकारी लिए अंबर नजर आती है, और वो भी वहाँ अपनी बचपन की दोस्त निम्मो की शादी में आई थी। ललित उसके पास जाता है और कहता है, हाय मिस दुपट्टा। तुसी एथे? तुसी ओही हो ना जिसने मेरा दुपट्टा फाड़िया सी? इथे की कर रहे हो? आपका पीछा कर रहा हूँ जी। बेशरम होंदे नाल नाल बदतमीज भी हो। ओ मैडम, आप जानती क्या है मेरे बारे में? मैं एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ अपने दोस्त की शादी में आया हूँ, समझ गई? मुझे बस तुम यहाँ नजर आई तो इसलिए तुमसे अपने किए के लिए माफी मांगने आ गया, पर ये मेरी गलती थी। तुम जैसी लड़कियाँ पता नहीं अपने आप को समझती क्या हो। ललित वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अंबर को उसकी कही बातों के लिए अपनी गलती का एहसास होता है और अंबर ललित से अपने ऐसे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। आई एम सॉरी, मैनू माफ कर दियो, मैं गुस्से विच पता नहीं तुहानू की कह दिता। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि एक लड़की के लिए उसका दुपट्टा कितना कीमती होता है, और खास कर कि आपके जैसी खूबसूरत सोनी कुड़ी के लिए। दोनों एक दूसरे से पूरी शादी में खूब सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है, वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और गुजरते वक्त के साथ वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दिन अपने प्यार का इजहार कर शादी करने का फैसला लेते हैं। अंबर और ललित अपने इस फैसले के बारे में अपने अपने घर वालों को बताते हैं। दोनों के घर वाले आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। अंबर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियाँ बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। उसकी सास देवयानी आए दिन उसे उसके पहनावे को लेकर कुछ ना कुछ कहती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, अरे बहू कहाँ मर गई सुबह सुबह? हाँ जी मम्मी जी। अंबर वहाँ पर पंजाबी सूट सलवार और दुपट्टा पहनकर टिप टॉप रेडी होकर आ जाती है। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है बंठन के? कितने भी नहीं जा रही, बस मेरा दिल कीता ता मैं रेडी हो गई। अरे खुद को तो चमका लिया, अब घर कौन चमकाएगा? ओहो मम्मी जी ठंड रखो, हुने कर दिनी है सारा काम। शूज अटैक। पता नहीं ललित को भी क्या पसंद आ गया तुझ में, सारा दिन बस खुद को सवारने में लगी रहती है। मम्मी जी छूटते ना ही कहो हुन तुसी, समझ गए? वो वैसे भी कहंदे आ ना साड़ना रीस कर, और मैं तो ऐसे ही बंठन कर रहूंगी। अरे तुझे शर्म तो आती नहीं है अपनी सास के आगे जुबान चलाते हुए? ओहो सच गल बोलिया सी। दफा हो जा और जा जाके काम कर, और हाँ ये सूट पहनना बंद कर दे और चुपचाप साड़ी पहन। हमारे घर की बहुएं सूट नहीं पहनती। जी कभी भी नहीं, मैं ता डेली सूट ही पाऊंगी, साड़ी दा थान कौन लपेटे। अरे तू मेरी बात को मानेगी या नहीं? कोई जायज गल होए ता मन भी लवा। इतना कहकर अंबर वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। अंबर और उसकी सास का पहनावे को लेकर और घर के काम को लेकर झगड़ा बढ़ता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन अंबर बाजार से नया सूट लाती है और उसकी सास
उसे परेशान करने के लिए चुपके से वो दुपट्टा उसके कमरे से ले जाती है और छत पर जाकर उस दुपट्टे पर पापड़ सुखा देती है। शाम को जब अंबर छत पर जाती है तो वो अपने दुपट्टे पर पापड़ सूखते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में तिलमिलाती हुई अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, ये सब किया तुसी मेरे नवे दुपट्टे ते पापड़ सुखा देते। अरे ये तेरा दुपट्टा था, मुझे लगा कोई बेकार कपड़ा है तो मैंने सुखा दिए पापड़ इस पे। मम्मी जी ज्यादा चालू ना बनो, मेनू ना सब पता है, तुसी जानबूझ के कीता ये सब। अरे मुझे क्या पता कि तेरे सारे दुपट्टे तेरी तरह ही बेकार हैं एकदम। बेकार मेरा दुपट्टा नहीं, तुहाडिया नजरा ने मेनू लगदा तुहानू ना मोतियाबिंद हो गया है। मम्मी जी जाओ जाके जल्दी इलाज करवा लो, इस तो पहला तुसी अंधे हो जो। वक्त बीतता जाता है पर दोनों सास बहू के बीच की लड़ाई रुकती ही नहीं। ऐसे ही एक दिन देवयानी और अंबर घर का सामान लेने बाजार जाते हैं। वहाँ दो बाइक सवार गुंडे देवयानी का पर्स छीन कर भागते हैं। अंबर उनके पीछे भागती है और जल्दी से अपने दुपट्टे से पीछे बैठे लड़के के गले में फंदा बनाकर डाल देती है। दोनों गुंडे डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं और फिर अंबर और बाजार में मौजूद भीड़ जमकर उन गुंडों की पिटाई करती है। ये सब होता देख देवयानी को अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों सास बहू बाजार से घर आ जाती हैं। तभी देवयानी अंबर से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने हमेशा से तुझे तेरे पहनावों को लेकर रोका टोका, पर आज अगर तू और तेरा ये दुपट्टा ना होता तो पता नहीं क्या होता। बेटा मुझे माफ कर दे। ओए होए मम्मी जी, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, और तुहाड़ी ता डांट भी मेनू बड़ी प्यारी लगती है। दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगा लेती है। साथ ही देवयानी को समझ आ जाता है कि पहनावा चाहे कोई भी हो, इंसान के गुण और संस्कार उसकी असली पूंजी होते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।